नमस्कार मम्मी अम्मी किचन फूड में आपका स्वागत है। और आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ देसी मुर्गा। उसके लिए ये लाल मिर्चाई फ़ोरन के लिए है, तेज पत्ता है, और ये वो है, क्या बोलते हैं इसका तो नाम ही भूल गई मैं, कसैली कसैली नहीं है जायफल कसैली की तरह ही होता है। रुक जाओ। नहीं नहीं चल कंटिन्यू। ये जायफल है, और ये छोटी इलायची, ये चक्री फूल स्टार, और ये एक लौंग, और दो बड़ी इलायची, जीरा, दालचीनी और लाल मिर्च फोरन के लिए है, और इधर नमक, और इधर तो ये देख लीजिए ये देसी चिकन है। और इसके अंदर क्या क्या लगेगा और कैसे मैं बनाऊँगी वो आपको मैं बता रही हूँ। तो इसके अंदर अभी थोड़ी सी प्याज डाल रही हूँ, थोड़ी सी प्याज ऊपर से डालूँगी, जितना प्याज जितना चिकन है उतना से थोड़ा कम प्याज लेना है, नहीं तो मीठा हो जाएगा। तो अभी थोड़ा इसके साथ मैश करने के लिए डाली हूँ और डालूँगी। और ये मसाला है, इसके अंदर हल्दी, धनिया, काली मिर्च, जीरा और लहसुन, अदरक, इसका मैं पेस्ट बना ली हूँ, और लाल मिर्ची साबुत। तो मिर्ची पाउडर नहीं डालूँगी, यही डालूँगी सारा मसाला। और इसके बाद नमक, नमक स्वाद अनुसार डालना है, और थोड़ा सा कच्चा तेल, ज़्यादा नहीं हल्का सा, और इसे अच्छी तरह से मिलाना है। देसी चिकन है तो देसी चिकन हार्ड होता है, तो इसे एक तरह से मटन के तरीका से ही बनाते हैं, इसे फ्राई करने पे और हार्ड हो जाएगा, तो हम इसे फ्राई नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीका से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा, कभी बना के खा के देखिए। आप लोग खाते ही होंगे, जो नहीं खाते होंगे उसके लिए तो नहीं है, जो खाते होंगे उसके लिए, क्योंकि हम YouTube पर अगर खाना बनाना सिखा रहे हैं तो हर तरह की चीज़ बना के सिखाएंगे, जो खाएंगे वो भी, जो नहीं खाएंगे वो भी। और ये फ़ोरन है तो मैं फ़ोरन डाल रही हूँ, तेल गर्म हो गया है, तेजपत्ता, और तेल कम डाली है, देसी चिकन में उसके चर्बी में तेल होता है, उसका चर्बी ये रहा देखिए, तो इस वजह से मैं तेल थोड़ा कम डाली हूँ। आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं, कम डाल सकते हैं। ये लेग पीस है, देसी चिकन का लेग पीस थोड़ा पतला होता है, इसे ऐसी तरह से भूनूंगी, और धीरे धीरे अभी थोड़ा देर ढक के नहीं भूनूंगी, धीरे धीरे ढक के भूनूंगी। तो प्याज, और प्याज मैं चिकन के साथ मिला दी हूँ, और अब डालूंगी प्याज। तो देखिए चिकन अपना पानी छोड़ रखा है, चिकन हो मटन हो पानी तो छोड़ता ही है। तो अब मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी, थोड़ा और ये पानी सूख जाएगा उसके बाद प्याज डालूंगी। पानी सूख गया है तो मैं प्याज डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा है चिकन का पानी और प्याज के पानी से उसमें पकेगा। उसके बाद थोड़ी सी गुनगुना पानी डालूंगी,
और सीटी लगा दूंगी थोड़ी देर, जिसे ऐसे ही ढक देती हूँ। तो 9 सीटी लग गया इसके अंदर। देसी मुर्गा है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कुकर में 9 लगे और 10वां सीटी है, ये 10 लग गया। तो इसको ढक्कन खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया बन गया है, और इसके अंदर ग्रीन चिली मैं डाल देती हूँ। कितना बढ़िया बना है, अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए ग्रेवी कितना अच्छा बना है, ग्रेवी इसका बिल्कुल जूसी बना है चिकन। नींबू से खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मम्मी यम्मी किचन फूड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।